माय लवलीज, मैं हूँ रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड कैफे। यहाँ मिलेंगे आपको बॉलीवुड की सबसे फ्रेश और कड़क खबरें, जस्ट लाइक माय कड़क कप ऑफ कॉफी। और आज कॉफी के साथ ना एक मोदक भी खा लो, गणेश उत्सव का आखिरी दिन है। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। दिल तो पागल है के बाद करिश्मा और माधुरी आई साथ साथ। जी हाँ, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बड़े पर्दे पर लास्ट टाइम दिल तो पागल है मूवी में दिखी थी, लेकिन अब तकरीबन 20 साल बाद ये दोनों साथ आ गई हैं। ना ये दोनों कोई मूवी के चलते साथ नहीं आई हैं, बल्कि श्रीलंका में हुए एक अवार्ड शो के बाद इन दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की, जिसे करिश्मा ने सोशल मीडिया पर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट कहते हुए पोस्ट भी किया। क्या है ना, माधुरी उनके कंधों के दर्द के इलाज के लिए अब्रॉड गई हुई थी, लेकिन करिश्मा से मिलने के बाद उनका दर्द हंसी में बदल गया। चलो अच्छा है, अब जल्दी से ऑन स्क्रीन भी साथ आकर आप दोनों एक बार फिर कर दो ऑडियंस के दिलों को पागल। अनुष्का शर्मा विल डू अ कैमियो इन संजय दत्त बायोपिक। संजय दत्त बायोपिक स्टारिंग रणबीर कपूर एंड डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी इज वेरी टाइट लिप्ड। सोर्सेस की माने तो डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अब अप्रोच किया है उनकी पीके एक्ट्रेस यानी अनुष्का शर्मा को टू फीचर इन अ कैमियो। इस पर यह भी बताया जा रहा है कि अनुष्का हाँ ही करेंगी, क्योंकि अनुष्का और राजकुमार हिरानी की इक्वेशन काफी अच्छी है। और इसी तरह अनुष्का दूसरी बार टीम अप होंगी राजकुमार हिरानी के साथ। द बायोपिक विल बिगिन फिल्मिंग फ्रॉम जनवरी 2017। चलो अच्छा ही है, इतने दिनों से इस फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है, अब अनुष्का शर्मा के आने से कम फिल्म की शूटिंग तो शुरू होगी। डायना पेंटी हैज नो रिग्रेट्स ऑफ गोइंग ऑन अ ब्रेक। एक्ट्रेस डायना पेंटी जो सिल्वर स्क्रीन पर हैप्पी भाग जाएगी में तकरीबन 4 साल के बाद दिखाई दी थी, सेज शी हैज नो रिग्रेट्स ऑफ टेकिंग अ सबैटिकल इन हर करियर। आपको बता दें कि आफ्टर हर मॉडलिंग स्टिंट डायना ने कॉकटेल फिल्म की थी इन 2012। और ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद डायना ने खुद को बिग स्क्रीन से दूर कर लिया था। डायना पेंटी ने कहा, आई मैनेज्ड टू कीप मायसेल्फ बिजी विद माय हॉबीज, डूइंग थिंग्स आई लाइक, ट्रैवलिंग, आई वाज वर्किंग एज वेल। अलोंगसाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई आल्सो एक्टिवली मेट पीपल एंड यूज्ड टू रीड स्टफ होपिंग टू फाइंड माय नेक्स्ट फिल्म। वेरी नाइस डायना, ब्रेक के बाद ही तो इतना फ्रेश और दमदार कमबैक किया है आपने। तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि, और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।